हेलो स्टूडेंट्स, बिगनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये एसए 2 का आपका लास्ट चैप्टर है जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। किसका? सिविक्स का, पॉलिटिकल साइंस जो भी आप कहना चाहें, ठीक है, उसका लास्ट चैप्टर जो कि आज हम अपने इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे, इसके बारे में देखेंगे क्या क्या चीजें इसके अंदर बताई गई है। तो इसकी स्टार्टिंग अगर हम कहें तो चैप्टर का नाम है आपका आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो पर्टिकुलर अगर जब आउटकम्स की बात कर रहे हैं तो ओवरऑल में एक वर्ड अगर मैं देखूं तो फाइनली क्या हम किस चीज की बात कर रहे हैं, रिजल्ट की बात कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी के क्या रिजल्ट है। तो इसकी जो शुरुआत है वो आपकी कब होती है? क्लास 9th से शुरुआत होती है। जो ये जर्नी है आपकी क्लास 9th से चलती हुई आ रही है, जिसमें आपने पढ़ा है आपका डेमोक्रेसी क्या है, सारी चीजें आप देख चुके हैं, क्या डेमोक्रेसी के फायदे हैं, डेमोक्रेटिक है, नॉन डेमोक्रेटिक क्या है, ये सारी चीजें आप देख चुके हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस पूरी जर्नी को अपनी बाइंड अप करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं। तो हम फाइनली अब देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमें इससे समझ में आई है। अगर जब हम आउटकम्स की बात करें डेमोक्रेसी में, तो एक अलग अलग रिस्पेक्ट में इसके काफी सारे आउटकम्स हम देख सकते हैं, जैसे क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट, कि किस टाइप की गवर्नमेंट है, कैसी है, ठीक है ना, इनइक्वालिटी कैसी है या नहीं है वहां पे, इकोनॉमिक वेलबींग कैसा है उस कंट्री में, सोशल डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स किस तरीके से रिजोल्व किए जा रहे हैं या फिर नहीं किए जा रहे हैं या फिर किए गए हैं, ठीक है ना। जैसे आपने श्रीलंका एंड बेल्जियम के एग्जांपल देखे थे, फ्रीडम एंड डिग्निटी, क्या वहां पर सभी लोगों को फ्रीडम है या फिर नहीं है, डिग्निटी वहां पर चीजों को लेकर है या फिर नहीं है। तो ये सारी चीजें हम क्या एक तरीके से आउटकम्स के तौर पर लेकर चलते हैं जब हम बात कर रहे होते हैं किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी को लेकर, ठीक है। तो अब हम इस चैप्टर में क्या है, आज इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे क्या क्या आउटकम्स आपके डेमोक्रेसी के होते हैं। तो उसी का एक ओवरव्यू आज हम इस चैप्टर का देखने वाले हैं। दैट मीन्स कि हम क्या करेंगे, एक मूल्यांकन करेंगे, एक एक्सेस करेंगे, एक्सेस की बात नहीं करें, एसेसिस, ठीक है ना, हाउ टू वी एसेस द डेमोक्रेसीज आउटकम्स, की क्या क्या इसके जो परिणाम है, क्या इसके रिजल्ट है, उसको उनका मूल्यांकन करेंगे, देखेंगे, ठीक है ना। इस जर्नी की मैंने आपको बताया शुरुआत क्लास 9th से हुई थी। तो उसमें हमने एक जब चैप्टर आपका फर्स्ट पढ़ा था तो उसमें एक कन्वर्सेशन थी आपकी, जिसमें जो टीचर है लिंगडोंग जो मैडम थी उनकी, वो क्या करती है अपनी क्लास में बच्चों के साथ डिस्कस करती है कि डेमोक्रेसी क्या है, ठीक है ना, डेमोक्रेसी के क्या क्या बेनिफिट्स है, डेमोक्रेसी जहां पर होती है वहां किस तरीके से चीजें होती है। तो वो सारी चीजें आपने देखी थी। तो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूं तो बच्चों ने अलग अलग रिजल्ट मतलब अपनी बातें बोली थी कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, कुछ का कहना था नहीं होनी चाहिए, कुछ ने कहा कि होनी चाहिए, कुछ ने कहा कि डेमोक्रेसी है तो भी क्या फायदा है। तो अलग अलग सबके व्यूज थे। अगर हम इसको बाइंड अप करें और एक फाइनल कंक्लूजन में पहुंचे इस कन्वर्सेशन के, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर, डेमोक्रेसी क्या है, एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक अच्छी टाइप की गवर्नमेंट है व्हेन कंपेयर्ड विद डिक्टेटरशिप और एनी अदर ऑल्टरनेटिव, ठीक है। कब है ये अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कब कह रहे हैं हम इसको, इसके लिए कंडीशन अप्लाई कर दी हमने, वो क्या है कि जब हम इसका कंपैरिजन किससे करते हैं, या तो डिक्टेटरशिप से करते हैं, मोनार्की से करते हैं, या जो भी इसके अल्टरनेटिव्स है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, लाइक मिलिट्रियल रूल वगैरह जो भी है, जब उनके कंपैरेटिवली हम देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि जो डेमोक्रेसी है वही एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। हम यहां पे ये नहीं कह रहे कि सिर्फ डेमोक्रेसी ही अच्छी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, हमें क्या कह रहे हैं, अल्टरनेटिव है अच्छा। क्लियर, अगर हम बात करें कि डेमोक्रेसी इज बेटर, हमने बोला ना कि डेमोक्रेसी बेटर है, क्यों कह रहे हैं भाई हम बेटर, क्यों है ऐसा। तो अगर जब हम बेटर की बात कर रहे हैं तो कुछ रीजंस हैं उसके पीछे, वो क्या है, जहां पे डेमोक्रेसी होती है वहां पे क्या होता है, प्रमोट इक्वालिटी अमंग सिटीजंस। सबसे पहली चीज क्या होती है, उस कंट्री में रहने वाले सभी नागरिक जो भी वहां पर रहते हैं उन सबके बीच में इक्वालिटी समझी जाती है, सबको बराबर समझा जाता है। एनहेंस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति की डिग्निटी का भी ध्यान रखा जाता है, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता किसी भी बेस पे, लाइक जेंडर है, कास्ट है, ग्रीड है, ठीक है ना, जो भी सारी चीजें उनके बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, आपको पता है डेमोक्रेसी में जब क्या होता है, कोई भी डिसीजन लिए जाते हैं या फिर कोई भी चीज चेंज की जाती है, एड ऑन की जाती है, तो उस पर डिस्कशन होते हैं, आपने देखा है जैसे किसी भी कंट्री में कोई न्यू लॉ आता है या कुछ भी आता है तो उस पर क्या होता है, बहुत बार डिस्कशन होते हैं। तो उसे ना डिस्कशन जब किसी चीज पे ज्यादा होते हैं तो उतने ही ज्यादा लोगों के दिमाग सामने आते हैं, उनकी सोच सामने आती है, तो उससे एक अच्छा रिजल्ट या मैं कह सकते हैं फाइनल किसी भी चीज का कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। तो जो डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो डेमोक्रेसी में अच्छी हो जाती है, क्योंकि वो काफी सारे स्टेप से होकर गुजरती है, ठीक है ना, उसमें चीजों को डिस्कस किया जाता है। प्रोवाइड अ मेथड टू रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे आपको मैंने बताया था बेल्जियम का, कि वहां पे क्या होते हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं ना किसी भी कंट्री में, उनको रिजोल्व करने के अलग अलग मेथड भी यूज किए जाते हैं। देखो, अब किसी कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता,
कंट्री है तो कॉन्फ्लिक्ट तो होंगे ही होंगे, बट मैटर ये रखता है कि जो कंट्री है और जो कंट्री की गवर्नमेंट है वो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कैसे कर रही है, सॉल्व कैसे कर रही है, उनका क्या सॉल्यूशन निकाल रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज होती है डेमोक्रेसी में। और इसके अलावा क्या है, यहां पे एक गलती सुधारने का मौका दिया जाए, अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, कि जो गलती अगर किसी से हो जाती है उसको सुधारने का मौका दिया जाता है। वैसे मैं इसको इस सेंस में लेकर हम चलेंगे यहाँ पे कि अगर हमें ये लगता है कि हमने इस बार जो गवर्नमेंट चुनी है वो अच्छी नहीं है, वो हमारे भले के लिए काम नहीं कर रही है, जनता के बेनिफिट के लिए, तो नेक्स्ट टाइम क्या है, लोगों के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो उस सरकार को वोट ना दे और एक नई गवर्नमेंट को मौका दे सकते हैं जो कि क्या करे, कंट्री को रन करे और उनके वेलफेयर के लिए जो डिसीजन मेकिंग है वो सारी चीजें करे। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो अराउंड अस पीपल सपोर्ट, हमारे आसपास हम क्या करते हैं, अधिकतर लोग क्या करते हैं, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। एज कंपेयर टू किसके, मैंने भी बताया ना कि कंपैरिजन जब हम करते हैं, मोनार्की है, मिलिट्री है, रिलीजियस लीडर, इन सारे अगर हम रूलिंग्स को देखें तो उनमें जब कंपेयर करते हैं तो क्या होता है, हमें डेमोक्रेसी ही सबसे अच्छी लगती है। बट जब सारे डिस्कशन हमने देखी थी तो उसमें तलाइमा हमारे सामने आता है, कंफ्यूजन हो जाती है, वो हम क्या है हमारे सामने कि डेमोक्रेसी सीन टू बी गुड, हमें दिखती तो बहुत अच्छी है, भाई इतने सारे प्रिंसिपल्स हैं, ये एडवांटेजेस है डेमोक्रेसी में, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, हमें इतनी सारी चीजें देखते हैं, बट फेल्ट टू बी नॉट सो गुड इन इट्स प्रैक्टिस, कि जब बात आती है ना प्रैक्टिस की, रियल मायने में जब डेमोक्रेसी को जहां इंप्लीमेंट किया जा रहा है वहां पर जब हम देखते हैं तो हमें डेमोक्रेसी में क्या लगता है कि सही तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वर्क नहीं करी। दैट मीन्स हमें कह सकते हैं जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है कई बार वो सिद्धांतों तक सीमित होकर रह जाती है। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें उसमें अंदर काउंट तो कर दी गई है बट उतने अच्छी तरीके से उनका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। क्लियर, और यही एक बहुत बड़ा कारण बनता है किस चीज का, हमें यह सोचने में मजबूर करने का कि डेमोक्रेसी के क्या आउटकम्स हो सकते हैं। ओके, हमने क्लास 9th की ही सिविक्स की बुक में देखा था कि अगर हम आज से 100 साल पहले के मैप उठा के देखें ना वर्ल्ड के, तो बहुत कम ही कंट्री ऐसी थी जहां पर क्या था, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, बहुत कम। लेकिन आज अगर हम वर्ल्ड का मैप देखें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज में क्या है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है इस टाइम पे इंप्लीमेंट किया जा चुका है, वहां पे जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक है। इससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे पहले डाली है कि कहां कहां पर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और जो पार्टी सिस्टम है उसको लेकर भी डाली है कि कहां पे वन पार्टी सिस्टम है, कहां टू पार्टी सिस्टम है, कहां मल्टी पार्टी सिस्टम है, और ऐसे भी कंट्री है जहां पर एक भी पार्टी नहीं है। ओके, तो आप उसको जरूर देखें जिससे आपको कुछ चीजें और क्लियर हो पाए। तो अगर हम देखें तो वर्ल्ड में क्या है, बहुत सारी कंट्रीज में इस टाइम पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो किया जाता है, जिसमें कि क्या किया जाता है, जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है उसको फॉलो किया जाता है, इलेक्शन रेगुलरली किए जाते हैं अपना कंट्री का, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है, बहुत सारी पार्टियां हैं, ठीक है, और वो गारंटी देते हैं अपने कंट्री में रहने वाले सिटीजन्स को कि उनको उनके सभी अधिकार मिलेंगे। क्लियर, तो ये सारी चीजें हम देखते हैं, बट स्टिल डेमोक्रेसी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब देखो इतने सारे कंट्रियों में डेमोक्रेसी तो है बट हर कंट्री की जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो एक से दूसरे से अलग है, मतलब हर कंट्री की जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो एक गवर्नमेंट है वो एक दूसरे से अलग है। सोशल सिचुएशन की बात करो उसमें भी, इकोनॉमिक अचीवमेंट की बात करो तो उसमें भी, और कल्चर में भी आप देखते होंगे कुछ कंट्री तो ऐसी है जहां पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो है और वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, रिच है, बट कुछ ऐसी है जो बहुत ज्यादा पुअर है, बहुत गरीब है, ठीक है, और कुछ मॉडरेट में आती है, कुछ ऐसे हैं जहां पर उनको अपने कल्चर को, किसी भी इंसान को अपने कल्चर को फॉलो करने की पूरी आजादी है, लेकिन कुछ कंट्री ऐसी है जहां पर उन्होंने अपने देश का एक पर्टिकुलर रिलीजन बनाया हुआ है, कि जैसे कि अगर हम देखें अपने आसपास ही देख लेते हैं तो पाकिस्तान है, वहां पे क्या एक तरीके से जो मुस्लिम है वो उनका नेशनल आइडेंटिटी है, नेशनल रिलीजन है उसका, बट इंडिया जैसी कंट्री में तो कोई नेशनल रिलीजन नहीं है, आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग कंट्रियों में क्या है, जो डेमोक्रेसी है उसके मायने सबके लिए अलग अलग है। ठीक है, और यही एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमें देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि डेमोक्रेसी के अंदर कुछ चीजें तो अचीव हुई है और कुछ चीजें अभी तक अचीव नहीं हुई है, जो कि क्या है, हर जगह अलग अलग है। और जब किसी कंट्री में रहने वाले लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है वहां की सरकार को लेकर, उनकी गवर्नमेंट से, वो फुलफिल नहीं होती तो लोग ब्लेम गेम करना शुरू कर देते हैं। सबका क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है कंट्री में तो क्या कहते हैं, सरकार की गलती है।
ठीक है ना। गरीबी है सरकार की वजह से है, ठीक है। वहां पे करप्शन है सरकार की वजह से है, टेररिज्म है सरकार की वजह से है, जॉब्स नहीं मिल रही गवर्नमेंट की गलती है, ठीक है ना। पॉवर्टी है गवर्नमेंट की गलती है, हंगर है गवर्नमेंट की गलती है। तो ये सारी चीजों के हम ब्लेम किस पे डालने शुरू कर देते हैं, गवर्नमेंट पे डालने शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, जो जब एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती तो क्या हो जाता है, ब्लेमिंग करना लोग शुरू कर देते हैं। तो इस चीज में हमें सबसे पहले एक चीज समझने की जरूरत है, जब हम आउटकम्स की बात करते हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग में एक चीज आप क्लियर कर लीजिए, वो क्या है कि डेमोक्रेसी क्या है, इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कोई मैजिक स्टिक नहीं है भैया, जिसमें कि क्या है छड़ी घुमाई और सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस ना। तो ऐसा नहीं है कि ये जो गवर्नमेंट है उसमें सारी ही चीजें आपके अकॉर्डिंग होंगी, सारी चीजें जो आप चाहेंगे वैसा होता चला जाएगा। हाँ, बट ये एक चीज जरूर करती है, वो क्या है, इट क्रिएट अपॉर्चुनिटीज टू अचीव समथिंग। ये आपको अपॉर्चुनिटीज देती है, ठीक है ना, आपको मौका देगी कि आप चीजों को अचीव करें जैसा आप चाहते हैं, उन चीजों को आप पा सकें, ठीक है ना। डिपेंड आप पे करता है कि आप उन अपॉर्चुनिटीज का कितना फायदा उठाते हैं और कितना अपने बेनिफिट के लिए उनका यूज कर पाते हैं, ठीक है। तो हमें डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये चीज सबसे पहले समझने की जरूरत है। अब इसी से रिलेटेड कुछ चीजों को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो कि आउटकम से रिलेटेड होंगे। आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।